और वक्त एक और 11 का हो गया है आपके साथ हूँ मैं नेहा बाथम और मीनाक्षी। पिछले काफी देर से राम मंदिर पर जिस तरह से सियासत हो रही है और अब ये फैसला जो है वो 10 तारीख तक अगली सुनवाई के लिए टल गया है। राम मंदिर की सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी और इसमें नई बेंच का गठन किया जाएगा। हालांकि इस मामले पर अब सब जो आज टिकी हुई थी वो अगले 6 दिन बाद अब 10 जनवरी पर टिक गई हैं। आपको बता दें कि इसकी सुनवाई के लिए एक नई बेंच गठित की जाएगी। साथ ही हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और शिवेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर राम मंदिर का निर्माण होना है, लेकिन सवाल वही बरकरार है, ये मंदिर कब बनेगा? 2019 में, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद या फिर आगे? देखिए, यही उम्मीद यहाँ के लोगों को, तमाम लोगों को थी। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिकी हुई थी, उनको उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ फैसला करेगा और उसके बाद तय होगा कि आखिरकार हियरिंग कब से शुरू होगी। लेकिन आज जो है, जब ये 10 तारीख की तारीख आई है, उसके बाद काफ़ी निराशा लोगों को हुई है और उनको लगता है कि शायद इस तरह से टलते टलते इलेक्शन के बाद होगा और इसका शायद नुकसान भी हो सरकार को। हालांकि नाराजगी भी इस बात से है कि बीजेपी ने इतने साल से कुछ क्यों नहीं किया, जबकि उनके हाथ में सत्ता थी, उनको कोई अध्यादेश या कोई और रास्ता निकालना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा मौका दिया कि बातचीत करके हल निकला है, कोई रास्ता निकला है जिसमें राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मसला हल हो, लेकिन वो सारी कवायदें बेकार हुई। और आज जो है, जब हियरिंग थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि 10 तारीख से इसकी सुनवाई होगी, 10 तारीख को बेंच गठित की जाएगी, उसके बाद तय होगा किस तरह से तैयारी होगी। हमारे साथ महंत हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 तारीख की टाला है 10 तारीख के लिए, उसमें आप क्या देखते हैं? पॉजिटिविटी है, सीरियसनेस है सुप्रीम कोर्ट की, या किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ले रही है? सुप्रीम कोर्ट की कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी के सहारे चल रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले कह दिया कि हम कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, उसी के बाद को सुप्रीम कोर्ट मान रही है, अब 10 जनवरी तक टाल दिया है। हम तो ये भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं कि राम के नाम पर यदि आप सत्ता में आए हो तो भाजपा का नाम बदल दो, अब आप कहो कि भाग जाओ पार्टी से। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर इकबाल अंसारी भी हैं जो बाबरी मस्जिद की तरफ से पैरोकार हैं, उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज मामला सुनने जा रहा था, उसके बाद उन्होंने 30 सेकंड के अंदर फैसला कर दिया कि 10 तारीख के बाद, 10 तारीख को अब जो है इस पर फैसला होगा कि कितने लोगों की, कितने जजेस की बेंच होगी और सुनवाई किस तरीके से होगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मामला जो है कोर्ट का है, कोर्ट जो भी कुछ करेगा लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम फैसला सुनने जाते हैं कि फैसला कोर्ट करे, कोर्ट तारीख दे देता है, तो आज का कोई नई बात नहीं है। जब भी आदमी कोर्ट कचहरी जाएगा तो कब तक जाएगा किसी को पता नहीं रहता। हमारे वाले साहब 70 साल गए। नहीं तो आप क्या, आपको लगता है कि इससे जो राजनीतिक दल हैं उनको फायदा नुकसान होने की उम्मीद है? क्योंकि अगर बहुत लंबा टलता है, खिंचता है, तो शायद भाजपा को नुकसान हो, अगर जिसको कहते हैं पहले हो जाता है तो शायद हो सकता है कांग्रेस को या बीजेपी दोनों को ही कोई फर्क पड़े। तो क्या देखते हैं इसमें, राजनीति भी लोगों की शामिल है? ये नुकसान तो किसमें, इसमें नुकसान उन्हीं का है जो लोग इसमें राजनीति करते हैं, ना भाजपा को नुकसान है, किसी पार्टी को नुकसान नहीं। भाजपा तो अपना काम कर रही है, कौन सी परेशानी है? लोग अब लोग कहते हैं भाजपा के जो है भाजपा का काम खराब है। क्या काम खराब है? हम तो नहीं जाते जो उन्हें देख रहे हैं कि भाजपा कोई काम खराब कर रही है। नरेंद्र मोदी ने अभी कह दिया कि वो कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, कानून की बात सुनेंगे, उसके बाद करेंगे। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल ठीक कहा है मोदी जी ने, जो कि कहा ठीक कहा है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो करेगा वो देखा जाएगा। कुछ लोगों की निजी राय ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझ करके इस मामले को टाल रही है, और ये उन लोगों की निजी राय है, लेकिन क्या आपको पूरी तरह से भरोसा है कि जो भी फैसला आएगा वो पूरी शांति से, समझदारी से सब लोग स्वीकार करेंगे और उससे मसले का हल निकल आएगा? देखिए, कोई काम अगर देर भी होता है तो दुरुस्त भी होता है, ये भी है, क्योंकि मामला जो है कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, लोगों के कहने पर नहीं, रोड पर राजनीति करने से नहीं। कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट को सबूत चाहिए, पेपर चाहिए, कोर्ट जो भी काम करेगा, जो क्योंकि हिंदुस्तान का नियम और कानून है, कानून बने हुए हैं, कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो दुरुस्त होगा। राजू दास जी, आप बताइए, जिस तरह से तारीख टली है, इसमें क्या कोई पॉजिटिव चीज नजर आती है आपको, या नजर आता है कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का लाभ हानि का मामला है? देर से दिया हुआ डिसीजन अपराध के श्रेणी में आता है, तो उच्चतम न्यायालय को सोचना चाहिए, इससे लाभ राजनीतिक पार्टी को मिल रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब इसका लाभ ले रहा है। कुछ लोग हिंदू को जय श्री राम का नारा लगा के लाभ ले रहे हैं, कुछ मुसलमान को डरा के लाभ ले रहे हैं। इसके नाते उच्चतम न्यायालय से निवेदन है कि डे टू डे सुनवाई करके जल्द से जल्द इसका डिसीजन दें, नहीं तो आने वाले कुंभ में
महासंग्राम होगा और लाखों संत एकत्रित होकर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हुंकार भरेंगे, जिससे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। आप यहाँ के आप एक सवाल जरूर पूछे वहाँ पर बार बार शिवेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, जो हिंदू पक्ष है, साधु संतों का पक्ष है और जो अध्यादेश या कानून की मांग कर रहा है, कानून कैसे बनेगा? सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले को देख रहा है, सरकार के पास नंबर्स नहीं है, अध्यादेश इस सूरत में आ नहीं सकता, कई टेक्निकल पहलू हैं, कानून नहीं बन पाएगा इस केस में, तो क्या इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने में क्या दिक्कत है? देखिए, साफ तौर पर कई बार इस दौर पर बात हुई, यहाँ पर जो हिंदू पक्षकार हैं, राम मंदिर की तरफ से पक्षकार हैं, वो इस बात की तकनीकी चीज़ में जाना नहीं चाहते कि अध्यादेश का असर क्या होगा, सरकार सफल होगी कि नहीं होगी। उनका सीधा सा मानना है कि राम मंदिर के नाम पर अगर आप सत्ता में आए थे तो आपको अध्यादेश लाना चाहिए, कोई और रास्ता निकालना चाहिए, किसी सूरत में बनाना चाहिए। ये उनकी व्यक्तिगत और निजी राय है, लेकिन कानून के जानकारों की अगर माने तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग था, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता तब तक अध्यादेश लाए जाने का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने पर रिट दाखिल कर दी तो सुप्रीम कोर्ट उस पहले अध्यादेश की सुनवाई करेगी और उसमें भी लंबा वक्त निकल सकता है, वो भी पक्ष या विपक्ष में आ सकता है। तो शायद इसी में समझदारी का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने फैसला किया कि वो अध्यादेश नहीं लाएगी। इसीलिए सबसे जरूरी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले में रुख अपनाती है, किस तरह का कदम उठाती है, उसी पे लोगों को देखना होगा। लेकिन यहां लोगों के बीच में अलग अलग मत हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सरकार जानबूझ के डिले कर रही थी, इतने साल तक कोशिश नहीं की, कुछ लोगों का अलग मत है। शिवेन, लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ मौलाना अंसार रजा भी हैं। मौलाना साहब, सीधा सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कोर्ट का मसला एक तरफ, लेकिन ये एक ऐसा मामला भी है जिसमें बहुत सारे लोगों की आस्था भी है, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, क्या कहीं से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऐसी सामाजिक पहल हो जाए कि कोर्ट से बाहर मामला सुलझ जाए और जो इतने बड़े सेंटिमेंट एक मेजर समाज के हैं वो वहां पर बच जाएं? ऐसी कोई कोशिश क्या मुस्लिम समाज की तरफ से उम्मीद की जा सकती है? बीजेपी में अगर जितने लीडरान हैं, अगर एक आदमी मीनाक्षी जैसा जितना समझदार होता तब तक ये मामला सुलझने की लेवल पे आ गया होता। जब जस्टिस खेर ने कहा था कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जो पक्ष है उनको बुला करके बात करते कि भाई पूरी दुनिया का मसला, पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है, क्यों नहीं हम बैठ करके इसका मसला, कौन सा ऐसा मसला है जिसका हम बैठ करके हल नहीं निकाल सकते? तो प्रधानमंत्री इसमें क्या करेंगे? तो जब जस्टिस खेर ने कहा था तो उस पर बैठ के बात करनी चाहिए थी ना, बुला के बात तो करते। दूसरा, अभी जो आपके यहाँ सब जगह हेडलाइन चल रही है कि टल गई, ये टली नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये आज का, कि आज ये तय हो गया है कि 10 तारीख से बाकायदा तौर पर 10 तारीख से पहले बेंच तय हो जाएगा और बेंच तय होने के बाद फिर उसकी सुनवाई शुरू होगी। तो ये जो मैसेज जा रहा है कि टल गई है, कुछ नहीं टला है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। नंबर दो, एक मिनट, दूसरा, ये सिंह साहब जो हमारे बार बार एक बात करे, सिंह साहब, मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छा सवाल किया था, आपने उनके सवाल को आपने नजरअंदाज कर दिया। जितना उतावलापन तीन तलाक पर आपको आपके अंदर है उतना राम मंदिर के लिए नहीं है बीजेपी के अंदर। क्या वजह है? आप लोकसभा में तो लाते, कुछ बात तो करते। अब आप कह रहे साहब तीन तलाक अलग मसला है, सबरीमाला में आपका अलग स्टैंड है, तीन तलाक पर अलग स्टैंड है, राम मंदिर पर अलग स्टैंड है, गंगा सफाई पर अलग स्टैंड है, कैसे जवाब उनसे लेंगे? लेकिन नया देखिए, यहाँ पर सवाल तो फिर ये भी खड़ा होता है ना कि ये सारी जल्दबाजी और ये उतावलापन जो अब अचानक दिखाई दे रहा है वो चुनाव से एन पहले क्यों दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। और इस वक्त हमारी संवाददाता पूजा शाली सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, एक नई डेट आ गई है, 10 तारीख की इस डेट पर एक नई बेंच का गठन किया जाएगा जिस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी फैसला लिया जाएगा। किस तरह से आज कोर्ट ने कितने पन्नों में अपना ये फैसला दिया है और क्या कुछ कहा गया है डिटेल में, क्या वो कॉपी आपके पास है? देखिए, ऑर्डर कॉपी अभी जारी ही होने वाली है, लेकिन जो अंदर से हमें खबर आई कोर्ट के कि कुछ सेकंड्स में ही, जब ये बेंच बैठे रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कॉल के, इन्होंने विद इन सेकंड्स इन्होंने ये बात कह दी कि जो सुनवाई है अगली अब वो 10 जनवरी को होगी। अब इसका क्या मतलब माना जाए? क्या सुनवाई टल गई है 10 जनवरी को, या 10 जनवरी से अब वो सुनवाई शुरू होगी जिसके बहुत पक्षधार जो है इंतजार कर रहे हैं? एक नया बेंच का संगठन होगा, माना जा रहा है कि उसमें CJI भी शायद इंक्लूडेड हो, लेकिन वो उस ऑर्डर में थोड़ा और क्लैरिटी मिल पाएगी। लेकिन जबकि ये लीगल प्रोसेस चल रहा है, मान के ये माना जाए कि देखिए वहाँ प्रयागराज में कुंभ में ये पोलिटिकल डिवेलपमेंट्स देखी जा रही हैं, तो उनको इंतजार करना ही पड़ेगा 10 जनवरी से जब ये सुनवाई शुरू होती है। क्या वो, अब दो सवाल होंगे, क्या वो रोज़ की सुनवाई होगी,
रेगुलर हियरिंग होगी या उसमें तारीख दी जाएगी बेंच के तहत, वो एक बहुत ही ज़रूरी मामला होगा, क्योंकि अगर रोज की सुनवाई हुई तो शायद माना ये जा सकता है कि कुछ ही महीनों में ये वर्डिक्ट भी आ सकता है। 2010 से ये कोर्ट में पेंडिंग है। और आज जो हुआ, ये मैं आपको बता दूँ, आज जिस तरह से ये बेंच बैठे थे उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था, और वो था जो अपील्स और पिटिशंस इलाहाबाद हाईकोर्ट को चैलेंज कर रही थी वो सब कंबाइन करके बेंच के सामने रखी गई। तो सीधा बेंच ने कुछ ही सेकंड्स में बात कह दी कि 10 जनवरी अब नया बेंच का गठन होगा और वो बैठेंगे। तो 10 जनवरी बस एक ही हफ्ता बाकी है, 10 जनवरी से अब शायद हम मान के चल सकते हैं कि सुनवाई अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट केस पे फाइनली शुरू हो सकती है। हमारे साथ पूजा शाली, आप पर हम दोबारा लौटेंगे और आपसे तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं हिंदू महासभा के वकील ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। से न्यायालय ने सुनिश्चित कर रखा था कि डे बाय डे की सुनवाई कितने तारीख से होगी और बेंच का डिसाइड था, तो बेंच यही बेंच करेगा और 10 तारीख से सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। हमको तो कोई राहत की अभी उम्मीद ही नहीं थी। अच्छा। आपने कैसे कह दिया कि राहत की उम्मीद थी? आप कोई उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रवैया और जो सेकुलर दर्शन और सिद्धांत के जो मानने वाले लोग हैं उनका, जैसे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग इस मैटर को उलझाने की ही प्रक्रिया में लगे रहे और उसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुआ। परंतु न्यायालय को हम जानते हैं कि न्यायालय से हिंदुओं को न्याय प्राप्त होगा और जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदुओं के धमनी में दौड़ रहे हैं, यदि न्यायालय आज डेट की निश्चित नहीं करता तो न्यायालय भी संदेह के घेरे में आता है। इसको 10 जनवरी को लगा रहे हैं, अप्रोप्रिएट बेंच पास करेगी इसमें फर्दर ऑर्डर्स, मतलब जो विशेष पीठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करेंगे वो 10 जनवरी को बताएगी कि मैटर में फर्दर के ऑर्डर। 10 जनवरी को फिर से जस्टिस कॉल और कोई भी जजेस हो सकते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अपने चेंबर्स में ऑर्डर पास करेंगे कि इस मैटर को कौन सी बेंच सुनवाई करेगा और 10 जनवरी को वो बेंच अब इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करेगी। जस्टिस दीपक के रिटायर होने के बाद इस मामले की रेगुलर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ नहीं बनी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करके बनाएंगे और वो बेंच 10 जनवरी को गठित हो रही है जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर्स इस केस में पास करेगी। मतलब एक रेगुलर बेंच बनेगी राम जन्मभूमि हियरिंग के लिए जो जस्टिस दीपक मिश्रा से रिटायर होने से पहले कॉन्स्टिट्यूटेड थी, क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए, एक फ्रेश बेंच बनेगी जो इस मामले की सुनवाई करेगी और वही सक्षम होगी इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, लिस्ट द मैटर ऑन 10 जनवरी फॉर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स बाय दैट बेंच। अच्छा, बाय दैट बेंच, बाय दैट बेंच। तो लॉयर्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो हमने देखा, लेकिन नया रुख हमें जरूर करना होगा धार्मिक नगरी का भी, जहाँ कुंभ चल रहा है, साधु संत बैठे हैं, धर्म संसद भी करने वाले हैं और लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने उनसे बात की। तारीख अगली लग गई महाराज जी, राम मंदिर निर्माण को लेकर के क्या आपको लग रहा है कि जल्दी कोई फैसला होगा? यह जल्दी फैसला होना चाहिए। बार बार जो यह 4 तारीख 5 तारीख 10 तारीख जो हो रहा है इससे साधु महात्माओं आक्रोश है और गुस्से में है। मंदिर हमारा आस्था की विषय है और हमारा विश्वास है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हम कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता। प्रधानमंत्री जी भी 1528 में उन्होंने बाबरी मस्जिद खड़ा नहीं किया था, जैसे हमने 92 ध्वस्त कर दिया वैसे यदि जल्द से जल्द वह सुनवाई नहीं करेगा और जल्द से जल्द अध्यादेश या चाहे कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तो जैसे बाबरी मस्जिद जो विध्वस्त हुआ उसी तरह हम श्री राम जन्मभूमि को हम निर्माण करेंगे। नीयत दिख रही है क्या आपको सरकार के अंदर मंदिर बनाने की? बिल्कुल नीयत देख रहे हैं कि सरकार बनाई है। सरकार उन्हें तो टपना ही नहीं टपना है, बस तो बनाना ही बनाना है। शबों का ये विचार है। साधु संत नाराजगी दिखा रहे हैं कि वहाँ मोदी को चुना, योगी को चुना कि मंदिर बनेगा, क्या वो अपेक्षाएं पूरी हुई? समय बीतने जो है ये उसको आशा नहीं देखना है, बस भीड़ भाड़ के जो है उसको सब एकत्रित होकर के बनाना है अपने से। साधु महात्मा खुद बनाएंगे, अपेक्षाएं पूरी हुई क्या? बिल्कुल अपेक्षाएं पूरी होगी, यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे यह मोदी सरकार है, चाहे देर हो अंधेर नहीं है, वह अवश्य बनाएगा, वह केवल हम लोगों का सन्मुख रहेगा, बनाएंगे तो हम लोग। धर्म संसद में क्या फैसला होगा? धर्म संसद में यही फैसला होगा कि हम हमारी राम मंदिर को जो विध्वंस किया था वह राम मंदिर का निर्माण होगा, यही हमारे फैसला होगा।
और इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी से जुड़ा एक बयान आपको दिखा देते हैं, जिनसे बात की हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। लेकिन इस बीच अयोध्या विवाद पर इकबाल अंसारी ने कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई होगी और समय सीमा के भीतर हमें जो भी फैसला आएगा वो मंजूर होगा। अयोध्या विवाद पर जल्द सुनवाई की मांग खारिज कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि समय सीमा के भीतर निर्णय की पीआईएल नामंजूर हो गई है। अयोध्या विवाद पर अब नए सिरे से सुनवाई होगी, नई बेंच का गठन होगा और उसी बेंच द्वारा यह फैसला लिया जाएगा कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनेगा या नहीं। और इस बीच आपको ये भी सुना देते हैं कि इकबाल अंसारी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, उनसे बात की हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। देखिए, मामला जो है कोर्ट का है, कोर्ट जो भी कुछ करेगा लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम फैसला सुनने जाते हैं कि फैसला कोर्ट करे, कोर्ट तारीख दे देता है, तो आज का कोई नई बात नहीं है। जब भी आदमी कोर्ट कचहरी जाएगा तो कब तक जाएगा किसी को पता नहीं रहता। हमारे वालिद साहब 70 साल गए, इसमें नुकसान उन्हीं का है जो लोग इसमें राजनीति करते हैं। ना भाजपा को नुकसान है, किसी पार्टी को नुकसान नहीं, भाजपा तो अपना काम कर रही है। कौन सी परेशानी है लोग, अब लोग कहते हैं भाजपा के जो है भाजपा का काम खराब है। क्या काम खराब है, हम तो नहीं जाते जो देख रहे हैं कि भाजपा कोई काम खराब कर रही है। नरेंद्र मोदी ने अभी कह दिया कि वो कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, कानून की बात सुनेंगे उसके बाद करेंगे, क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल ठीक कहा है मोदी जी ने, जो कि कहा ठीक कहा है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो करेगा वो देखा जाएगा। कुछ लोगों की निजी राय ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझ करके इस मामले को टाल रही है, और ये उन लोगों की निजी राय है, लेकिन क्या आपको पूरी तरह से भरोसा है कि जो भी फैसला आएगा वो पूरी शांति से समझदारी से सब लोग स्वीकार करेंगे और उससे मसले का हल निकल आएगा? देखिए, कोई काम अगर देर भी होता है तो दुरुस्त भी होता है, ये भी है, क्योंकि मामला जो है कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, लोगों के कहने पर नहीं, रोड पर राजनीति करने से नहीं। कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट को सबूत चाहिए, पेपर चाहिए, कोर्ट जो भी काम करेगा, जो क्योंकि हिंदुस्तान का नियम और कानून है, कानून बने हुए हैं, कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो दुरुस्त होगा। तो कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंतजार करेंगे, जब फैसला आएगा वो मंजूर जरूर होगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, आरपी सिंह है हमारे साथ बीजेपी से, वसीम रिजवी साहब भी हैं, मौलाना अंसार रजा, राहुल ईश्वर जुड़ेंगे हमारे साथ, इसके अलावा पूजा शाली सुप्रीम कोर्ट से, शिवेंद्र हमारे साथ अयोध्या से हैं, और प्रयागराज कुंभ से हमारे साथ आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। वसीम रिजवी जी, अगला सवाल मेरा आपसे, एक जो माहौल इस वक्त बन रहा है, ये जो पूरी बहस शुरू हुई है राम मंदिर मसले को लेकर, बेहद संवेदनशील अपने आप में, इसलिए भी साधु संत समाज अलग दम भर रहा है। अगर कल को वो सड़क पर उतरते हैं, उनके खिलाफ ऐसा लगेगा कि फिर दूसरा पक्ष भी आएगा। इस पूरे माहौल को देखकर, ये जो आंदोलन की स्थिति बनती नजर आ रही है, इस विभाजन को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, आज जो 10 तारीख की डेट दी गई है, हम उससे मुतमईन इसलिए हैं कि अब ऐसा लगता है कि अब ये शायद नौबत ना आने पाए और 10 तारीख से लगातार इस केस की सुनवाई शुरू हो जाए और 10 तारीख से पहले एक बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये बहुत मुतमईन बख्श फैसला है पूरे हिंदुस्तान के लिए। और अब कोर्ट से पूरी उम्मीद ये है कि अब कोर्ट इस मामले को सीरियस लेकर और जल्द से जल्द कोई फैसले की तरफ बढ़ेगा। और जहाँ तक के सवाल ये है कि आक्रोश पैदा हो रहा, देखिए आक्रोश तो लोगों में पैदा इसलिए हो रहा है कि राम मंदिर बनने में देरी हो रही है। ये समझौते से मामला तय हो सकता था, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की वजह से, उनकी हठधर्मी की वजह से, कुछ चंद मुल्लाओं की वजह से ये मामला तय नहीं हो पाया। लोग जाते थे प्रधानमंत्री से, जैसे अभी बात की गई कि प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व होते और बातचीत करते, कई बार कई प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन लोग जो गए हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलने गए अच्छे कपड़े पहनकर, बाकी उनके साथ फोटो खिंचवा कर चले आए और कोई भी समझौते की बात लेके नहीं गए, देने या लेने की कोई बात लेके नहीं गए। और जब तक कि आप किसी भी मीटिंग में कंप्रोमाइज की स्टेज पर नहीं बैठते हैं तो कभी कंप्रोमाइज नहीं होता। छोटा सा सवाल है, एक पक्ष है इकबाल अंसारी का जो कह रहे हैं कि अध्यादेश ना लाने का जो प्रधानमंत्री का फैसला है वो सही है, एक पक्ष है साधु संतों का जो सर्वोच्च न्यायालय पर ही सवालिया निशान उठा रहे हैं, उनकी मंशा पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, ये जो एक स्थिति बन गई है, इससे कैसे पार पाएंगे प्रधानमंत्री? नेहा जी, देखिए एक स्टैंड चल रहा है कि पहले मुसलमानों को दोषी ठहराओ, फिर समाज को दोषी ठहराओ, अब कुछ नहीं बचा तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये दोषी ठहरा रहे, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इतना बड़ा पाप है ये कि जिसका कोई शुमार नहीं। दूसरा, मोदी जी ने जो बात कही है कि हम अध्यादेश नहीं ला सकते हैं, मोहन भागवत ने कहा था कि किसी भी हाल में हो हमको 2019 से पहले आप चाहे अध्यादेश लाओ चाहे कानून बनाओ, यही बात उन्होंने कही थी। ये बात अच्छी तरीके से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को समझ लेना चाहिए कि जिस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी है वो ना तो आरएसएस के कंट्रोल में है और ना वो विश्व हिंदू परिषद के कंट्रोल में, वो आजाद आदमी है, जो फैसला कर दिया वो कर दिया। अब तुम चाहे जितना चिल्लाते रहो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। जवाब दीजिए।
देखिए मैं इनको पहले भी सुन रहा था, इन्होंने तीन मुद्दे कहे थे, उस पहले उस पर मैं बड़ी देर से जाकर स्पष्टीकरण कर दूँ। पहली बात समझिए, जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है वो महिलाओं के अधिकार का विषय है, सबरीमला का विषय दूसरा विषय, वो महिलाओं को अधिकार का महिलाओं का विषय नहीं है, लोगों की आस्था का विषय है। दो महिलाएं घुस गई परसों से, सफाई हो रही है, आप कह रहे हैं महिलाओं का विषय नहीं है? सर मैं क्या बात करते हैं सिंह साहब आप, अरे आप भी झूठ बोलने लगे। अंसार आजादी बात तो सुन लीजिए, अच्छा सर जब आप बोल रहे थे तो भी आपको सुन गए। सॉरी मैम सॉरी, आप टोका आपका मैंने, सॉरी सर सॉरी सर, मैंने बोल दिया, कितने कितने कैसी हालत होगी देश में आपकी, मतलब अरे सर हो तो गया यार, अब बोलिए ना। सुनिए सर बात पे सुनिए, जेंडर, हाँ बड़ी बोलो बड़ी कृपा, जेंडर इक्वलिटी का इशू अलग है और आस्था का इशू अलग है, पहली बात समझिए। तीसरी बात, जहाँ तक राम मंदिर का विषय, प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अब कोर्ट का फैसला देखते हैं कैसा, कोर्ट का क्या रुख रहता है, उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। मैं वापस कह रहा हूँ, सब रास्ते खुले हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए रास्ते कब हम बंद कर रहे हैं? और आप मुझसे बार बार कुछ कुरेंदे जाते हैं, उसका जवाब एक ही मिलेगा कि रास्ते खुले हैं परंतु कोर्ट के फैसले का इंतजार अवश्य करेंगे। मीनाक्षी जी इजाजत बोलिए। सर बिल्कुल मैंने मान लिया आपको कि कोई आस्था का मसला है, कोई जेंडर का मसला है। जब मोहन भागवत साहब ने यह कहा था कि चाहे कानून बनाओ या अध्यादेश लाओ, उनको नहीं पता था कि अध्यादेश नहीं आ सकता। कैसे उन्होंने धमकी दी फिर देश के प्रधानमंत्री को या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, क्यों उन्होंने ये बात कही? क्या नहीं पता था उनको कि अध्यादेश नहीं आ सकता, या तो उनको कानून की जानकारी नहीं है? नहीं आप बताइए ना। और आपने कहा कि सबरीमाला अलग मैटर है, सबरीमाला कैसे, वो भी तो औरतों का मसला है, वो भी तो औरतों का सम्मान का मसला है। दो औरतें सबरीमाला में घुस गई, सारे साधु संत लड़ाई कर रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, अभी राम मंदिर पर चर्चा हो रही है, राम मंदिर पर ही बात करें। मैम सबरीमाला का उन्होंने तस्करा किया है, हमने नहीं किया। मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल। देखिए जिस चीज के ऊपर बात की जा रही है, आपने किया था सर, मैं तो कोर्ट इन तीन तलाक का मामला हो, इसमें कोर्ट फैसला कर चुका था, उसके बाद इस पे अध्यादेश की बात आई है। और सबरीमाला का केस इस इशू से अलग की बात है, उस पे भी कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब राम मंदिर के मामले में कोर्ट का फैसला आना है, और जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो बातें कह रही है, वो जनता जो चाह रही है, तो जनता की जो डिमांड है उसके बिहाफ के ऊपर वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही, क्योंकि अब कोर्ट में केस लास्ट मोमेंट पर है, इंतजार तो करना चाहिए। अगर उन्हीं ने ये बात कही है कि इंतजार करना चाहिए, कोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद भी, कोर्ट उन्हीं ने राम मंदिर बनाए ना बनाए जाने का कोई बात नहीं कही है, उन्हीं ने कहा कोर्ट के फैसले आने के बाद फिर देखेंगे क्या करना है, यानी कि वो अभी भी इस स्टैंड पर गवर्नमेंट है कि राम मंदिर बनना है, बनना है, कोर्ट का फैसला आ जाए उसी से ही बन जाएगा, आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर के कोर्ट का फैसला देर होती है, तो फिर गवर्नमेंट जो देश चाह रहा है, जो लोग चाह रहे हैं, उसकी डिमांड, उनकी डिमांड्स के ऊपर गवर्नमेंट लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज सबकी निगाहें थी, और नया हमने देखा भी कि किस तरह से कोर्ट ने महज 30 सेकंड में यह फैसला दे दिया कि अब 10 जनवरी को आगे तय होगा कि एक मामले की सुनवाई कैसे चलेगी। हालांकि नई बेंच का गठन होगा यह साफ कर दिया, लेकिन यह भी साफ है कि साधु संत नाराज हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा होना चाहिए, जल्द राम मंदिर पर फैसला लिया जाना चाहिए। हालांकि हमने आपको इकबाल अंसारी का बयान भी सुनाया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो दरअसल सही है, अध्यादेश लाया जाए या ना लाया जाए ये पूरी तरह से अब निर्भर करेगा कोर्ट के फैसले पर। हालांकि राम मंदिर पर नई बेंच का गठन किया जाएगा और 10 तारीख को जब सुनवाई सुनी होगी तब फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी फैसला लिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ आरएसएस से विचारक अवनिजेश अवस्थी जी जुड़ गए हैं। अवनिजेश जी, पहले तो जो कोर्ट का फैसला है उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन दूसरी बात ये जो मांग लगातार आरएसएस की तरफ से ये हो रही है प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद भी कि मंदिर बने, कैसे होगा ये और क्यों ये प्रेशर बनाया जा रहा है? नहीं, ये पहली बात ये कि ये प्रेशर नहीं है, ये मांग तो बहुत पुरानी है, और सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी थी जिसने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि हम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध हैं। और न सिर्फ घोषणा पत्र में कहा, बाकी आप जानते हैं कि रथ यात्रा भाजपा ने निकाली, समय समय पर मंदिर के लिए जो भी काम करना था वो किया, तो इसलिए ये कोई दबाव नहीं है। सर क्यों दबाव ना माने, अभी जो सूरत हाल है इस वक्त वो आज से 3 साल पहले क्यों नहीं था? सरकार तो आपकी ही थी। नहीं, दबाव इसलिए नहीं, मैं बता देता हूँ कि जिस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर के लिए कहा हो, अपने घोषणा पत्र में किए हुए वायदे को याद दिलाना दबाव नहीं है। अब बात आती है कि 3 साल पहले क्यों नहीं।
बात यह कि टाइमिंग्स की बात बड़ी अजीबोगरीब होती है, विडंबना है ये। बड़ी साफ सी बात यह है कि ये 2016 में 2017 में लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और ये बिल्कुल स्पष्ट है और जनता को मालूम होना चाहिए कि एक 1994 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इससे जोड़ा गया, जोड़ने की अपील की गई, उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और फिर वो कहा गया कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक बात मैं मीनाक्षी जी आपको साफ कहना चाहता हूँ, क्या आप एक बात बताइए कि आप दबाव टाइमिंग की बात एक तरफ, लेकिन साथ साथ ये बताइए कि जब ये तय है कि ये टाइटल सूट है, अंसार अज़ाज़ी बैठे हैं, वसीम साहब बैठे हैं, ये टाइटल सूट है, अगर इस देश में जिस गंगा जमनी संस्कृति की बात की जाती है, सह अस्तित्व साथ साथ रहना है, तो एक तरफ भगवान राम के जन्म के स्थान का मसला है, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष कह रहा है ये मेरा मालिकाना हक है, मेरी इस जमीन पर मेरा हक है, इसको किस तरीके से एड्रेस करेगा ये देश और देश की राजनीति, चलिए ठीक है, ये जरूर सामने ठीक है, ये चर्चा हम जारी रहेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।